स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। ये वीडियो भी एक ब्लॉग होने वाला है, सो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होएगा। लोकेशन में अभी आपके सामने रिवील नहीं करूंगा, सो लोकेशन पे मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूं और मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है कि लोकेशन कौन सी होने वाली है, बट मैंने सुना है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लोकेशन है, अमेजिंग शॉट्स आने वाले हैं। तो चलो और आपको भी काफी अच्छी तरह हम एक्सप्लोर करके दिखाते हैं कि लोकेशन कौन सी है। तो चलिए गाइस, आप यहाँ से टिकट्स ले सकते हैं और काफ़ी सारी बोट्स हैं जो अवेलेबल हैं, देख सकते हैं आप, सबका डिफरेंट डिफरेंट प्राइस है। एक बोट झील का राउंड कराती है 15 से 20 मिनट का जी। उसका 120 का टिकट है जो आइलैंड पे नहीं जाती जी। दूसरी बोट आपको आइलैंड पे छोड़ेगी, इधर आपकी इच्छा आधा घंटा एक घंटा रुक सकते हैं, वहाँ आने जाने का 120 का टिकट है जी। एक बोट और है स्पीड बोट, उसका 300 रुपये का है जी। 3 मिनट का झील का राउंड कराती है। स्पीड बोट फास्ट बोट होगी है ना? ओके अंकल, 300। ओके अंकल, हम फाइनली हमारी लोकेशन के काफी ज्यादा नियर आ चुके हैं, काफी ज्यादा एक्साइटेड एंड गूज़बम्प्स आ रहे हैं। लोकेशन कैसी होगी, मेरे को लगता है जहाँ तक कि लोकेशन काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है और बस हम बोट का वेट कर रहे हैं। बोट आते ही हम बैठेंगे और काफी ज्यादा मजा आएगा। फाइनली गाइज, हम हमारी डेस्टिनेशन पर आ चुके हैं। डेस्टिनेशन पर आने के बाद और काफ़ी ज़्यादा इसको एक्सप्लोर करते हैं, चलिए थोड़ा अंदर चलते हैं। ये गार्डन एरिया है इस लोकेशन का, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है और जैसे ही आप देख सकते हैं गार्डनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी करी गई है यहाँ पे। सो गाइज़, ये रेस्टोरेंट का एरिया है जहाँ पे आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको ऑर्डर करना है यहाँ से सारी चीज़ें मिल सकती हैं। देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लोकेशन है और सेटिंग का पूरा पूरा अरेंजमेंट है, आप यहाँ से फुल एन्जॉयमेंट भी कर सकते हैं। फाइनली हमने पूरा आइलैंड काफ़ी अच्छे से विजिट करा, एक एक चीज़ देखी है उसकी और काफ़ी ज़्यादा पसंद आया आइलैंड हमारे को। तो मैं भी आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप भी एक बार आके विजिट करना है इस आइलैंड के अंदर, काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है जो बोट का एक्सपीरियंस है जो अंदर का। बट मैं ये बोलना चाहूँगा आपको कि यहाँ पर जो ईटिंग फैसिलिटीज़ हैं, जो
लंच के लिए अवेलेबल है, डिनर के लिए वो लिटिल बिट कॉस्टलियर है अगर अपन कंपेयर करें तो, बट यहाँ की प्लीज आप एक बार पेटीज जरूर ट्राई करना, आलू पेटीज काफी ज्यादा अच्छी लगी हमारे को। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं गाइस ऐसी समथिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, हैव अ नाइस डे।